हल्का नॉर्थ के अंदर 87 लाख की लागत के नाल अज जी लक्ष्मी सुरमे तो लैके CMC तक सड़क बन जा रही है। कि आम आदमी पार्टी के सरदार भगवंत सिंह मान का एक सुपना वा कि रंगला पंजाब हो। फिर अपने वाली गद्दी जांदे होए कांग्रेस नूं दे गए। 5 साल उन्होंने इन्हां दी गद्दी दा उदां ही इस्तेमाल किया जो मजीठिए उन्हें करके गए थे। वार्ड नंबर 64 दे विच अज वड्डे भाई कौंसलर राकेश प्राशर और बड़ा भाई चौधरी मदन लाल बग्गा हल्का नॉर्थ के अंदर 87 लाख की लागत के नाल अज जी लक्ष्मी सुरमे तो लैके CMC तक सड़क बन जा रही है। ये पिछले कई सालों तो लोगों की डिमांड सी, ये सड़क की बहुत माड़ी हालत सी, इस करके चौधरी मदन लाल बग्गे के सदके और कौंसलर राकेश प्राशर बड़े भाई के सदके अज ये सड़क बन जा रही है। मैं सारे इलाका निवासियों इत्थे जिस इस काम के लिए जिथे मुबारकबाद दिना और उन्होंने विश्वास दवाना कि आम आदमी पार्टी के सरदार भगवंत सिंह मान का एक सुपना वा कि रंगला पंजाब होवे ते अपने पंजाब की जिहड़ी निहार आ ये सब नालों उत्तम बने और सुची बने और वधिया बने और जिहड़ा पंज दरियावां की धरती पहला पंजाब सी ओह अज बनाए। कल तुसीं जिक्र कीता सी आम आदमी पार्टी समय दीआं सरकारां जिहड़ियां ने वो जिम्मेवार ने कितना कितने लॉ एंड ऑर्डर नूं लैके, पर बिक्रम मजीठिया कहिंदे ने समय की सरकार तुहाडी है ते हुण तुसीं देखणा लॉ एंड ऑर्डर वी तुहाडे जिहड़े CM साहब ने वो जाके गुजरात के हिमाचल के दौरे कर रहे हैं पंजाब नूं घुमाने। ये कोई नवी गल नहीं होंदी, जदों किसी पार्टी का इलैक्शन होंदा अज पूरे हिंदुस्तान दे विच साढ़े सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के लोग चाहवान ने, हर बंदा चाहुंदा सरदार भगवंत सिंह मान साडी स्टेट दे विच आवे। सानू जो पंजाब दे विच लोकां ने अपने 92 सीटा दे के अपनी आसना बनाया वा अपने सुपने पूरे करन लई, वो अज बाहरले लोग भी चाहुंदे आ उन्हां नूं उन्हां दे नाल आ के गल्लां करन चार, इस करके ये मजीठिए उन्हां नूं तां पुछण दी लोड़ ही नहीं गी। तुहानूं आम सारे पंजाब दे बच्चे बच्चे नूं पता वा मजीठिए उन्होंने अपने राज दे विच एक लुटिया एक कुटिया कोई तीजा काम तां कीता नहीं गा इन्हां ने। फिर अपने वाली गद्दी जांदे होए कांग्रेस नूं दे गए। 5 साल उन्होंने इन्हां दी गद्दी दा उदा ही इस्तेमाल किया जो मजीठिए उन्हें करके गए थे। चौधरी साहब जो अब उद्घाटन किया गया किन्ने लाख की लागत के नाल और कितों तो कितने तक जी सड़क बन जा रही है? सब तो पहले तो मैं लोगों का धन्यवाद करांगा जिन्होंने बड़ा प्यार सत्कार के नाल अज तो 7 महीने पहले आम आदमी पार्टी सरकार लैके उन्होंने जो आसा तो उम्मीदों ने सरकार बनाई थी, अज सरकार उन्होंने आसा तो उम्मीदों पर खरी उतर रही है। और काफ़ी देर तो वार्ड नंबर 64 के जो इलाका पार्षद ने साडे वड्डे भाई राकेश प्राशर जी उन्होंने मेहनत सदका उन्होंने काफ़ी देर तो जदोजहद करके ये सड़क का जो काम पास करवाया, मैं उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद दिता। और इसी काम मैं और साडे सेंटर हल्के के MLA मेरे छोटे भाई राकेश प्राशर जी दोनों रल के अशोक प्राशर जी ने रल के असी दोनों ने इस सड़क का मुहूर्त किया और मैं मुबारकबाद दी। और आस करांगा कि लोग इस तरह ही साडे डिवेलपमेंट साथ देंगे, इस तरह ही शहर की और इलाके की डिवेलपमेंट करते रहेंगे। बग्गा जी सिटी बसा जड़िया ने बंद पईयां ने उसनों लैके किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, क्योंकि वह जरा गोडाउन के बंद पईयां ने करोड़ों रुपए की बसा है चोरी हो गई। उहदे विच पिछली सरकार ने जदों बसा चलाईयां सीगियां उदों भी लोगों ने बहुत कमेंट्स किए कि बड़ा गलत काम कर रहे हैं, तो शहर है साडा कंजेस्टेड शहर है असी इत्थे मिनी बसा चलाईए, वड्डी बसा इत्थे शहर च नहीं चल सकदियां। पर कि ना कि धक्केशाही हुई, सरकार ने लोगों के टैक्स का जिहड़ा पैसा सीगा उसनों बर्बाद किया और तकरीबन काफ़ी सालों तो यह बंद पईयां ने। हुण असी इस जो हैगा बसा का इहदा हल कर रहे हैं, असी तकरीबन एक प्लैन कर रहे हैं भी छोटी मिनी बसा जिहड़ियां ने वो इहदे विच चलाईयां जाण, बैटरी वालियां बसा वो शहर में चलाई और शहर की फसल असं तकरीबन सर्वे भी करावे, लोगों की राय भी लेवे, लोगों की राय के नाल ये सिस्टम चला के करेंगे। जो करोड़ों रुपए खराब होया जी उस जिम्मेवार किनू मानते? हाँ जिम्मेवार इदा प्रशासन है, कुछ सरकार भी करके गलत गई ने और असी तकरीबन मान साहब ने यह हिदायत भी कीतिया ने जोड़ा इस प्रोजेक्ट के पिछे सगा वो इनकुआरी करवा के उ जो लॉस होया वो खाते पाए जाए।